हमें क्या आगे के फॉलोअप्स जो हमें करने होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हम इकोजेनिक फोकस को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए जब वो प्रेग्नेंट होते हैं और आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं तो उसमें आपकी जो रिपोर्ट आती है उसमें लिखा जाता है इकोजेनिक फोकस। वो क्या होता है, जो बेबी का हार्ट होता है उसमें आपके जो मसल्स होती है बेबी के हार्ट की उसमें कैल्शियम जमा हो जाता है और वो कैल्शियम अल्ट्रासाउंड के थ्रू व्हाइट स्पॉट की तरह दिखाता है कि एक स्पॉट भी हो सकता है या छोटे छोटे कई स्पॉट हो सकते हैं, तो इसी को हम इकोजेनिक फोकस बोलते हैं साइंस लैंग्वेज में। तो ये क्यों होता है, देखिए इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, इसको नॉर्मल भी माना जाता है, लेकिन हाँ ये इसके होने के, अगर ये पाया जाता है आपकी रिपोर्ट में तो इसके होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये रीजन है कि हो सकता है कि कुछ भी ना हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आपके जो रिपोर्ट है उसमें आया हुआ है, लिखा हुआ है इकोजेनिक फोकस इज सीन, तो हो सकता है कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो। देखिए अगर ये टर्म आपने पहली बार सुनी है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि डाउन सिंड्रोम जो होता है बहुत नॉर्मल है पाया जाना रिपोर्ट पर। ये डाउन सिंड्रोम किसी भी बेबी को हो सकता है, चाहे आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है या नहीं रही, और ये भी हो सकता है कि अगर फादर है, फादर की हिस्ट्री में कोई जो पर्सन है वो डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो या उनका बेबी रहा हो, या मदर की फैमिली हिस्ट्री रही हो इस तरह की, तो भी हो सकता है। और अगर आपकी एज 30 या 35 से अब हो तो भी आप हो सकता है कि आपका बेबी को डाउन सिंड्रोम हो, तो ये चांसेस होते हैं। और कोई स्मोकिंग करता है उस चीजों से भी काफी फर्क पड़ता है। तो डाउन सिंड्रोम एक कंडीशन है, ये एक समझ लीजिए बर्थ डिफेक्ट होता है जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, और इसमें बहुत सारे जैसे क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, जैसे कि आपने ट्राइसोमी 21 सुना होगा, ट्राइसोमी 18 सुना होगा, 13 सुना होगा, तो इन सारी चीजें जो होती है डाउन सिंड्रोम, ये आप बेबी में हो सकता है। वो इसका मतलब ये नहीं, अगर आपने इकोजेनिक फोकस अगर आपकी रिपोर्ट में लिखा है तो आपके बेबी को वो चीज है ही, वो बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम से ग्रसित हो ही, इसका मतलब है पॉसिबिलिटीज है। तो उसको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसकी की जाती है, वो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि क्या स्टेप्स रहते हैं, बट आपकी नॉलेज में होना चाहिए कि ये सब चीजें भी जो आपके आगे जो होता है आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आपका अगर डाउन सिंड्रोम का आपको डॉक्टर को लगता है तो वो डॉक्टर आपको आगे की फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि आपको डबल मार्कर टेस्ट होता है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता है, ये आपके टाइम ड्यूरेशन जितना भी आपका जो प्रेगनेंसी का वीक चल रहा था उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट किया जाता है, प्लस आपको NIPT टेस्ट होता है जो कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट की तरह होता है, जिससे कि एकदम क्लियर पता लग जाता है कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है या नहीं। आगे कुछ आपको 100% अगर कुछ जानना है कि बेबी डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है या नहीं, तो उसके लिए आपको एमनियोसिंथेसिस टेस्ट होता है। इस पर मैं सभी पर वीडियो बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपके रिपोर्ट्स में आगे जब कराते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो आप सेकंड होता है अगर आपके जो बेबी है उसके हार्ट में अगर इकोजेनिक स्पॉट देखा गया है, फोकस देखा गया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बच्चे की जो हार्ट है उसमें कुछ बनावटी नुक्स आ गया हो। तो वैसे तो अगर कुछ कोई दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका डाउन सिंड्रोम भी नहीं है और कोई नुक्स भी नहीं है, तो इसका मतलब आपका बच्चा नॉर्मल है। और ये जो इकोजेनिक फोकस होता है वो टाइम के साथ साथ प्रेगनेंसी के अंदर आपके 9 महीने के अंदर अपने आप हट भी जाता है, कि आप डिलीवर करते हैं उसके बाद हट जाता है। तो इसमें अगर आप सेकेंड अगर आप जाते हैं, आपका डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको, देखिए जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है तो आपको एक सेकेंड जो आपका जिसको हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोलते हैं वो कराने के लिए बोलते हैं, सेकेंड लेवल का अल्ट्रासाउंड होता है, वो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर तो आपका अल्ट्रासाउंड सेकेंड लेवल का हो चुका है, उसके अंदर एक एक चीज जो बच्चे की होती है वो देखी जाती है, तो वो सारी चीजों पर पूरा अच्छे से जो ब्रीफली आपको बताया जाता है, और वो अगर आपका हो चुका है और उसके अंदर बच्चे के हार्ट में भी कोई
नुक्स नहीं आया है, कोई चीज ऐसी नहीं आई है, तो इट्स ओके। अगर आपका इको, आपका जो सेकंड लेवल का जो टेस्ट है वो नहीं हुआ है, तो आप आपके डॉक्टर से बोल सकते हैं कि आपको, ऐसे तो डॉक्टर खुद ही आपको बता देंगे, उसके लिए आपका जो होता है इको कार्डियोग्राफी जो बच्चे की होती है, फिटल इको कार्डियोग्राफी, उसमें क्या होता है बच्चे के जो हार्ट होता है उसके अंदर हर एक चीजें उसको एनालाइज की जाती है, एक एक छोटी छोटी चीज देखी जाती है कि बच्चे की जो, बच्चे का जो हार्ट है वो ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं, या हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बनावट बच्चे की जो हार्ट है उसकी सही से हो गई है या नहीं, तो ये सारी चीजें ये फीटल इको कार्डियोग्राफी इसमें देखी जाती है। और ये आपका बिल्कुल नॉर्मल आता है तो आपको घबराने की 1% भी चांसेस नहीं है। और इसको मतलब अगर आपके ये आ चुका है तो इसको आपको बार बार बाद में भी दिखवाने की जरूरत नहीं है, बार बार अल्ट्रासाउंड करवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर आपका ये मतलब दोनों ही चीजें नॉर्मल हैं। बट हाँ, यस, आपको इसको इन्वेस्टिगेट जरूर करवाना है, और क्योंकि देखिए ये सब चीजें हम इन्वेस्टिगेट करा लेते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा जो बच्चा है बिल्कुल हेल्थी है, और हम अपने जो बेबी है उसको, जो प्रेगनेंसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं या स्टॉप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये आपका डिसीजन होता है, और आपका डिसीजन किस पर निर्भर है, आपके जो आगे इन्वेस्टिगेशन होती है उस पर निर्भर है, जैसे कि मैंने ये जो सारे टेस्ट बताए इस पर निर्भर है। तो ये सब टेस्ट आपके नॉर्मल आते हैं तो एब्सोल्युटली योर बेबी इज फाइन हेल्दी, और आप अच्छे से आपका जो प्रेगनेंसी है नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे, तो ये चीजें रहती हैं। बस ये है, आपको अपना जो खान पान है अच्छा रखना है, आपको हेल्दी चीजें जो फ्रूट होते हैं वेजिटेबल वो अच्छे से करना है, वाटर इनटेक अच्छा सा लेना है, योगा जो एक्सरसाइज करते हैं, वॉक जो करते हैं आप वो अच्छे से आपने करनी है, मतलब आपने एक्टिव रहना है, और इससे कोई लेना देना नहीं है, कैल्शियम से बिल्कुल लेना देना नहीं है। आपने ये नहीं करना कि आप कैल्शियम की जो टैबलेट्स हैं वो ले रहे हैं, और जब आपको इकोजेनिक फोकस आपने आ गया है, कैल्शियम पाया गया है, ज़्यादा कैल्शियम से आप समझ लें कि होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपके जो ब्लड में कैल्शियम की जो मात्रा, कैल्शियम का लेवल होता है उससे भी उसका कुछ लेना देना नहीं होता, ये नॉर्मल है, किसी प्रेगनेंसी में ये पाया जा सकता है, किसी में नहीं भी पाया जा सकता। और मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, और मैं ये भी बताऊंगी कि ये स्पीड पर मैं वीडियो क्यों बनाई। मेरी एक फ्रेंड है, उसने मेरे सर मुझसे फ्रेंड क्या मेरे एक सब्सक्राइबर है, उसने मेरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था जो कि मैं आपसे शेयर करूंगी। मेरा जो सब्सक्राइबर है उनसे बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनका बेबी अभी 6 मंथ्स का है, और उनके ऐसे ऐसे करके इकोजेनिक फोकस उनके जो रिपोर्ट था उसमें आया था अल्ट्रासाउंड में, और उन्होंने जो टेस्ट करवाए थे और सारे टेस्ट नॉर्मल आए थे उनके, और उन्होंने आगे अपनी प्रेगनेंसी कैरी फॉरवर्ड करी, और उनका बेबी अब हेल्दी है बिल्कुल। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको एक थोड़ा मोटिवेशन मिले और थोड़ी तसल्ली हो कि ऐसा आप अगर आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगी, और ये जो इन्वेस्टिगेशन जो हो भी रही है आपकी वो आपकी भलाई के लिए है, तो ये सब आप चीजें करती हैं तो आपके लिए अच्छा है, आपके बेबी के लिए अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में 20 वीक्स के बाद आप टर्मिनेट नहीं करा सकते अपनी प्रेगनेंसी को, तो ये जो डिसीजंस होते हैं आपने फटाफट फटाफट लेने पड़ते हैं, और बिल्कुल सोच समझ कर आप लीजिए ये सारे डिसीजन, आप अपने टेस्ट पर निर्भर कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए। मैं ये आप कुछ भी कही आप डिस्क्लेमेशन बोलिए कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ मैं अपने एक्सपीरियंस से और मैं चीजों को बहुत ज्यादा स्टडी करके उसके बाद आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने बस करा और मतलब कहीं से सुना और आपको बता दिया, बहुत सारी चीजें मुझे स्टडी करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर से भी कुछ ना कुछ कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो लेके आती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपके ऐसा कुछ पाया गया है, इस वीडियो से ये होता है कि आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को मतलब अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं भी हुआ या जानना चाहते हैं नॉलेज के लिए, या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी रिपोर्ट में इकोजेनिक फोकस आया होगा, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं हर एक वीडियो में हर एक कमेंट का आंसर जरूर करती हूँ, और
अगर आप प्लीज इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, मैं इसी तरीके की जो वीडियो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो, बेबी से रिलेटेड वीडियो डालती रहती हूँ। मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और प्लीज उसके लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर मैंने थोड़ा सा भी काम किया है अच्छा और आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्प की है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज शेयर जरूर कीजिए। शेयर कीजिए करेंगे तो औरों को भी, पेरेंट को भी जो प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं या प्रेग्नेंट ऑलरेडी जो है, जो एक जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, यानी कि एक फादर, एक जो हस्बैंड होता है वो भी प्रेग्नेंट होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है। तो मैं इस ब्यूटीफुल जर्नी में आपके थोड़ी बहुत आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, तो प्लीज जुड़े रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर।